दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के ऐसे टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप फीचर्स देने वाले स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 25,000 रुपये से कम की कीमत पर देखने को मिलेंगे। अब मैंने इनको फ्लैगशिप फीचर्स वाले तो कहा है, फ्लैगशिप फ़ोन नहीं, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन लगभग आपको 50,000 से ज़्यादा के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन 25,000 से कम की कीमत में आपको फ्लैगशिप फीचर्स देने वाले हैं। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आपका बजट 20 से 25,000 के बीच में बन रहा है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट की दोस्तों शुरुआत करें तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन दोस्तों आता है OnePlus की ब्रांडिंग के साथ। जी हां दोस्तों, OnePlus Note CE3 Lite। जी हां दोस्तों, मैं वैसे OnePlus Note CE2 को भी ले सकता था, लेकिन वो स्मार्टफोन थोड़ा पुराना है, फीचर्स थोड़े ऐसे ही हैं, इसलिए मैंने उस स्मार्टफोन को नहीं लिया है। लेकिन OnePlus Note CE3 Lite एक काफी अच्छा फोन है। कीमत इसकी 19,999 रुपए है बेस वेरिएंट की, जिसमें 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। अगला वेरिएंट इसका 8GB रैम 256GB स्टोरेज आता है, जिसकी कीमत 21,999 है। कोई सा भी वेरिएंट ले सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता हो, जो स्टोरेज आपको समझ में आती हो, क्योंकि स्मार्टफोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है, तो चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फीचर्स की दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 11 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के लेटेस्ट वर्जन पर काम करता है। उसी के साथ स्मार्टफोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 695 चिपसेट देखने को मिलता है। ये 6 नैनोमीटर पर रन करने वाला प्रोसेसर है। साथ ही इसमें 6.7 इंच की एक IPS LED फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। उसी के साथ अगर कैमरे की बात करें तो बैक में 3 सेंसर कैमरे के हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 का माइक्रो और 2 का डेप्थ है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी पसंद आएगा स्मार्टफोन का कैमरा। साथ ही साथ एक 5000mAh की बैटरी, 67V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर देखने को मिल जाता है और 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। स्टोरेज स्मार्टफोन की ठीक ठाक है, क्योंकि एक्सपेंडेबल है, और साथ ही डिजाइन स्मार्टफोन का काफ़ी ज़बरदस्त है। मेरे हिसाब से कम कीमत में OnePlus का कोई फ़ोन लेना है तो ये इस टाइम अभी एक काफ़ी अच्छी चॉइस है आपके पास, OnePlus Note CE3 Lite। सो लिस्ट का दोस्तों पहला स्मार्टफोन OnePlus का है। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की। तो अगला स्मार्टफोन दोस्तों हमारा आता है Realme की ब्रांडिंग के साथ, Realme 10 Pro Plus। जी हाँ दोस्तों, प्लस, वैसे Realme 11 Pro Plus को भी ले सकते थे, लेकिन उसकी कीमत फिलहाल 27,999 है। लेकिन 10 Pro Plus की कीमत फिलहाल आपको देखने को मिल रही है कुल 22,999 रुपए, जिसमें आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। डिस्काउंट आ चुका है, जैसे 11 लॉन्च हुआ है वैसे ही 10 पे डिस्काउंट आ चुका है। आज इसकी कीमत काफी कम है, तो चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। फीचर्स की अगर इसकी हम बात करें तो ये इंडियन मार्केट में 8 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, लेकिन ये काम ये करता है एंड्रॉइड 13 के ऊपर। साथ ही साथ इसमें MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट देखने को मिलता है। कमाल का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर रन करता है। साथ ही साथ 6.7 इंच का एक AMOLED पैनल है, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ के सपोर्ट के साथ। इसके साथ दोस्तों कैमरे की बात करें तो इसमें भी OnePlus की तरह ही 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो वहाँ भी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। क्वालिटी इसकी भी जबरदस्त है। कैमरे के मामले में तो एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मैंने फिलहाल यूज़ करा था कुछ दिन पहले, कैमरा काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन का। साथ ही साथ एक 5000mAh की बैटरी, 67V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इसमें स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो फीचर्स के काफ़ी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि स्मार्टफोन कर्व डिज़ाइन के साथ आता है डिस्प्ले में, तो चाहे तो आप इस डिज़ाइन को पसंद करते हैं तो इतनी कम कीमत में आप इस डिज़ाइन को प्रेफर कर सकते हैं Realme 10 Pro Plus के साथ। सो ये दोस्तों लिस्ट का है सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन। आप दोस्तों तीसरे और आखिरी स्मार्टफोन की बात करते हैं, फिर तीनों में से बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा उसकी भी बात करेंगे। तो लिस्ट का तीसरा और आखिरी स्मार्टफोन दोस्तों हमारा आता है Redmi की ब्रांडिंग के साथ, Redmi Note 12 Pro। जी हाँ दोस्तों, प्लस जो है वो कीमत ज़्यादा है उसकी, लेकिन प्रो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। कीमत से शुरुआत करें तो इसकी कीमत फिलहाल आपको 23,999 रुपये, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले की देखने को मिल रही है। साथ ही अगर फीचर्स की बात करें तो ये इंडियन मार्केट में 5 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन ये एंड्रॉइड 12 पर करता है काम, लेकिन 13 का सपोर्ट आएगा इस बात की तो कोई भी गारंटी ले सकता है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट ही देखने को मिलता है, कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 6.67 इंच का एक AMOLED पैनल डिस्प्ले है, गोला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ के सपोर्ट के साथ। सो डिस्प्ले तीनों में से बेस्ट ऑब्वियसली इसी की है, क्योंकि इसके अंदर गोला ग्लास भी प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि दोनों में नहीं थी।
साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी, 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, जिसमें मेन 50 का है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस। फ्रंट में देखने को मिलती है दोस्तों इस स्मार्टफोन में 16 MP की सेल्फी, तो उसी के साथ साथ साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट भी है। स्टोरेज इसमें एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन काफी कमाल का है। तो ये दोस्तों लिस्ट के 3 बेस्ट स्मार्टफोन है, OnePlus Note CE 3 Lite, Redmi Note 12 Pro और साथ ही Realme 10 Pro Plus। जी हाँ दोस्तों, तीनों बेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे हिसाब से बेस्ट जो चुनना चाहिए आपको, OnePlus का स्मार्टफोन या फिर Realme का स्मार्टफोन। Realme 10 Pro Plus एक खतरनाक फ्लेक्सिव फीचर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप OnePlus की तरफ जाना चाहते हैं तो आप OnePlus Note CE 3 Lite की तरफ भी जा सकते हैं। नए डिजाइन के साथ वो स्मार्टफोन आता है, वैसे Realme का भी कम नहीं है, सेम डिजाइन लगभग देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से बेस्ट है Realme का फोन, लेकिन आपकी चॉइस क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीनों में से बेस्ट आपको कौन सा लगा, ब्रांडिंग कौन सी आपको ज्यादा पसंद आती है, इस बारे में भी कमेंट करें। लेकिन अगर आप 25,000 खर्च कर रहे हैं तो Realme 10 Pro Plus एक काफी अच्छी चॉइस होगी इस टाइम इंडियन मार्केट के अंदर। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।